बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अच्छा जी, आज फिर मैं मामू जुवेद के घर में आया हुआ हूँ, क्योंकि मामू जुवेद ने 2-4 दिन इधर रहना, फिर उन्हें वापस इस्लामाबाद में चला जाना है। तो मैं भी घर में वैसे अकेला ही बैठा हुआ था, काम वगैरह तो मुझसे अभी हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा चले मामू जुवेद के साथ गपशप लगाते हैं और साथ कुछ अपनी वीडियो बनाते हैं और अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं। तो जी अभी देखते हैं मामू जुवेद घर में हैं कि नहीं। अच्छा कल भी बड़ा ही रश रहा कोई पता नहीं लगता केड़े टाइम गड्डी खिचनी पै जाए भाई। अच्छा जी, मामू जुवेद कह रहे थे कि मम्मी यार उठो जरा ना, इधर अपने बाग शाग को रकबे को दे, लत्तां सीधियां कर ली, बाग वगैरह देखना है, फसल अपनी देखनी है। यार मेरा आज दिल कर रहा है कि अपने रकबे में जरा फिट टुर कर देखूँ, तो अभी निकले हैं जी तो रकबे की तरफ। मामू जी बाग वेख गया? बाग वेख गया। अच्छा, मेरा ख्याल तुड़ाई तो नहीं लगी? नहीं, उन्हें तो लगी है यार, मौसमी माल्टा तो। हाँ जी, अच्छा ये पेटी जाएगा, रंग ना बने। ये मेरे ख्याल तुहाडे व्यापारी भी इंटरनेशनल पैंदे ने, लोकल व्यापारी नहीं पैंदा इत्थे। वेखो जी रंग ना ना बने। हाँ जी, पेटी का बड़ा खर्चा। हाँ बिलकुल, ये तो गल है। फिर इना खर्चा करके माल जी सही गल। फेरा शेरा ला लिया सारा जिन्ना को मजम्मल तुरिया जांदा सी ना जी जी, ओना को वेख्या मैं अपने बच्चे दी बादशाही वेखी है। सही है, की कर रहे है, की बना रहे है। अच्छा चलो, अल्लाह ताला उनो ही कामयाब करे। असल च बजापति मजम्मल की है जी, मेरे तीन बच्चे ने तीनों ही पता। हां जी बिल्कुल, मैं तिने इकट्ठे सुते हुंदे सन ना। हां जी, मैं इन्हों उठाना ना भी आपे ही उठन यार, इन्हों की नींद ना खराब हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हों दस ही नहीं सकिया भी पुत्र इंज वाही करी दी, इंज पानी लाई दा, इंज सही है कम करी दा। अच्छा कोई नहीं, हुण मुलाजमां कोलों जो कराना है फिर हौली हौली। यार कोई गल आई है, मुंडे ने बिल जमा कराया मोटर दा जी, जरा रसीद ही गुआ छड़ी है। चलो आज हम घर चलिए, यार काफी फिरते टूरते रहे। अच्छा जी, मैं मुझे ऐसे गपशप लगाने के बाद अभी घर में पहुंच आया हूँ। हाँ जी बाबा जी, सुनाओ की सूरत हाल है, सेहत तबीयत वाडी? अच्छा अच्छा जी, ये हमारे बाबा जी हैं हमारे गांव के ही, पिछले दिनों ना इनको भी काफ़ी बुखार हो गया था, तो बस 8-10 दिन फिर हमारे पास नहीं आए, तो अभी 1-2 दिन में आना इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। पिछले दिनों काफ़ी इनकी भी तबीयत सेट अपसेट रही है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काफ़ी बेहतर है। अच्छा बाबा जी, सवेरे गए था जी मामू जुवेद का पता लैन? अच्छा हाँ जी, रिजल्ट उन्हें है कटिया भी डॉक्टर आते हैं भी गुरदा नवा। हाँ गुरदे वाला तो उन्होंने काफ़ी देर तक डॉक्टर रखी जाते हैं, पता नहीं यार वो क्यों लेट की जाते हैं, ये नहीं मैंने समझ आती भी उन्होंने कोई गल है जरा ना दसदा भी नहीं मामा जुवेद, तो ना ही कोई बच्चे दस रहे कोई गल, कोई ना कोई वजह है जरूर बेच।
अच्छा चलो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे यही दुआ करनी चाहिए है। बाकी बाबा यार जी चक बच्च वो फोतकी हुई है ना लंबड़दार दे जवाई दी वो यार बड़ा आसा होया वेख ला यार अल्लाह ताला माफ़ी देवे मौत भी एवं अचानक आई है बस अल्लाह ताला माफ़ी ये किवें होया बाबा ये दर्द ही हुई है पेट अच्छा दिल का बनना पे कलमा पाता गया उठे जाके मर गया हॉस्पिटल लै गए सन अस्पताल लै गए कहते राज अटैक होया अच्छा इतने होया तो एक होना डॉक्टर ने मौजूदगी जो है अच्छा उन्हें काबू नहीं आया बहुत हो गया डेथ हो गई। अच्छा तो घरों तो वह दसते ने भी नाई गया शेव शूव भी कराई सर बड़ा सोहना नाश्ता नाश्ता करके बड़ा सोहना गया हाँ उत्थे मुलाजम उन्होंने लाए सन बल्कि घर आ के भी गया उन्होंने भी नाश्ता पानी तैयार कर दिया मैं मुलाजम उत्थे लाए ने कोई रकबे दे ना कोई काम करवा रहा थी उन्होंने कोल ही खलोते खलोते इन्होंने कोई वजह बनी उत्थे ये पेट में दर्द उठा तो पहले मैं सुने सब तो पहले पेट च दर्द उठा नंबरदार जरा ना आता भी तीन किस्म का होंगे अच्छा एक बंदे के पैर अंगूठे से दर्द शुरू होता दिल का हाँ जी एक हाथ के अंगूठे तो अच्छा एक है पेट के मिज में दर्द होंगे दिल जरा लागे होंगे बंद महसूस होंगे भी मेरे पेट च दर्द हो रहा हो दिल का होंगे सही है भी ना पेट च होया क्योंकि जरा मुलाजम से ना उन्होंने कोल जिन्हें रक्षे च पा कर लैके गए फिर वो दसदा सी भी उस टाइम पसीनो पसीन हो गया पेट च आता मेरा दर्द पेट च दर्द तो वह पसीना इस तरह आ गया ना इनू बस यार अल्लाह ताला जन्नत में जगह देवे तो बंदा चंगा सी यार बाकी तो लंबड़दार का तो कोई नहीं हाल लेकिन वो बजाते खुद जरा बंदा सी ना नईम अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत में जगह देवे जन्नत में जगह देवे जी बस यही दुआ करनी चाहिए। वीडियो तो खैर आज इतनी अच्छी नहीं मेरे हिसाब से बन सकी असल में ना मेरे जब मामू जुवेद के साथ रकबे में चलता फिरता रहूँ ना तो पाँव में ना दर्द होना शुरू हो गया था चोट पिछले दिनों में आ गई थी वो मैंने अपने एक दो वीडियो में अपने बहन भाइयों से बात शेयर भी की थी। जब घर में वापस आया ना मैं जुए से मिलकर तो फिर ज़्यादा चलने फिरने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो फिर बैठे बैठे उधर बाबा जी बाहर बैठे हुए थे उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाई है तो अभी जो है तकरीबन शाम का टाइम हो गया अभी शाम का खाना वगैरह खाते हैं तो फिर आज मैं अपनी वीडियो का इधर ही एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो काइंडली मेरे जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाई को बार वक्त मिल सके। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी और नासर हो अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।